गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक दूसरा वे से रिकॉन्सिलिएशन बनाना बताऊंगा। जनरली हम लोग रिकॉन्सिलिएशन के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में बोलता है कि मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट, तो रिक्वायरमेंट में वो डाल देता है अकाउंट बनाइए, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। तब उस केस में हम लोग अगर स्टेटमेंट बनाते हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट भूल होता है, तो हमको उसी को जो स्टेटमेंट बताए थे उसको अकाउंट के वे में बता देंगे। तो ये एक फॉर्मेट रख दिए, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर रुपीज। याद करो, हम लोग जब भी सोम को स्टार्ट करते थे तो बात करते थे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, वो राइट साइड में ले लेंगे। से इसको आप क्रेडिट और इधर डेबिट बोल सकते हो, बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड बाई में ले लिए तो जितना भी एड होने वाला आइटम था, एड होने वाला आइटम इधर आ जाएगा बाई की तरफ, अनलेस होने वाला आइटम टू की तरफ आ जाएगा। तो अगर रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट को ध्यान दिया जाए, जो हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था, रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, क्या कारण है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैच नहीं करता है, तो एक नंबर रीजन में आया था फाइनेंशियल आइटम। बहुत सारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है जो कि हमारे पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं आता है, तो इसके कारण से वो एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट को रिड्यूस कर देता है इन कंपेयर विथ कॉस्ट अकाउंट। तो हम लोग को कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को कम करना पड़ता है। दोज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड, जब डिडक्टेड होगा तो उसको टू में लिखना होगा, से टू गुडविल रिटेन ऑफ टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ से टू इंटरेस्ट टू डिविडेंड पेड टू इनकम टैक्स से टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंस लिखे जो हमको रिकॉन्सिलिएशन में लेस होता है, तो यहां प्रॉफिट डाले हैं तो लेस होने के लिए टू में डाल दिए। तो उसी में था फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो एक नंबर रीजन बताए थे फाइनेंशियल आइटम तो एक्सपेंसेस होने से लेस और इनकम होने से प्लस। दो नंबर आइटम बताए थे ऐसा एक्सपेंस, नोशनल एक्सपेंस नाम दिए थे, ऐसा एक्सपेंस जो कॉस्ट शीट में तो रिकॉर्ड हुआ था लेकिन वो फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कारण था कि वो एक्चुअल एक्सपेंस नहीं था। तो ऐसा एक्सपेंस कॉस्ट के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया है, तो अब हम लोग कॉस्ट के प्रॉफिट को इंक्रीज करा देंगे, ऐड होगा तो बाई साइड में लाएंगे। उसका नाम अगर याद हो तो इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल था, इसको हम लोग बोले थे नोशनल एक्सपेंस, वो ऐड में जाएगा। तीन नंबर रीजन में था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मेथड अलग होता है। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन जनरली मशीना और रेट या प्रोडक्शन मेथड से लगाते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग, दोनों में फिगर का डिफरेंस होता है। अगर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज्यादा लिखा हुआ है इन कम्पेयर्ड विथ फाइनेंस तो ओवरचार्ज को एड करते थे, तो बाई डेप्रिसिएशन
ओवर ऐड करते थे तो अंडर को लेस करेंगे टू डेप्रिसिएशन अंडर, ठीक डेप्रिसिएशन की तरह ओवरहेड होता था, डेप्रिसिएशन की तरह ओवरहेड होता है, ओवरहेड कॉस्ट में जो रहता है एस्टिमेटेड होता है, पीएल में जो रहता है वो एक्चुअल होता है। अगर कॉस्ट का ओवरहेड ज्यादा है तो ओवर हो गया, ओवर हो गया तो उसको ऐड करेंगे। ओवरहेड कोई भी हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। तो इधर हम लिख लिए ओवर, तो इधर ले आएंगे अंडर। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखेंगे ओवरहेड का क्या नाम है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नाम रहेगा उस नाम से चलाएंगे। इसके अलावा एक आइटम होता है स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन में ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, और ओपनिंग स्टॉक, ओवरहेड, एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन सब एक जैसा आइटम हो गया। तो अगर ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में ज्यादा लिख दिया गया है ओवर, तो वो ऐड होगा, तो बाई ओपनिंग स्टॉक ओवर। ये स्टॉक किसी का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो टू ओपनिंग स्टॉक अंडर, बात हुआ था कि ओपनिंग के उल्टा क्लोजिंग चलता है, तो इधर आएगा एड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो अंडर होगा, इधर होगा टू क्लोजिंग स्टॉक, तो ओवर होगा। वही जो फॉर्मेट था उसी को डेवलप किए हैं, अकाउंट के रूप में ले आए हैं। अब हम लोग कॉस्ट से स्टार्ट किए थे, इसको ऐड करेंगे। ये फिगर यहां आया, यहां आने के बाद यहां पर एक आंसर निकला, दिस इज आवर टू प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। ये अपना आंसर आया। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग हमेशा कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। एक सवाल अपने ऐसे भी बनाए थे जो फिनेंशियल से स्टार्ट हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टू यहां पे ले आते प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल, और ये सब ऐसे रहता, ये आंसर यहां आ जाता। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट के जगह लॉस दे दे, तो ये जब प्रॉफिट इधर लिखे हैं तो लॉस के केस में इस वाले को इस साइड लिख देंगे। जब ये वाला क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में चला आएगा तो ये सारा आइटम उठ के इधर आ जाएगा, और ये सारा आइटम उठ के इधर चला जाएगा, मतलब साइड चेंज हो जाएगा। ये हम लोग प्रॉफिट का एग्जांपल लेके बनाए हैं। अगर लॉस होता तो बोलते हैं कि ये प्रॉफिट है तो लॉस होता तो डेबिट में आ जाता, तो ये सारा आइटम ऐड वाला इधर आ जाता और ये सारा आइटम इधर चला जाता, आंसर इधर। टेक्निकली अगर अकाउंट हो तो फॉर्मेट को टेक्निकली एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये आप लोग के सामने है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में अकाउंट बनाने को बोलता है तभी इसको बनाना है, अदरवाइज स्टेटमेंट बना देंगे। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बोलेगा बनाने को। ये रहा नेट प्रॉफिट फिनेंशियल अकाउंट का दिया हुआ 18550, नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट 18550, और वहीं पे एज पर कॉस्ट अकाउंट 28660। रिकॉन्सिलेशन में ये देखिए डायरेक्टर एक्सपेंसेस फी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ये फिनेंशियल एक्सपेंस हुआ, लेस करेंगे, अब बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड फिनेंशियल इनकम हुआ ऐड करेंगे। इनकम टैक्स भी फिनेंशियल एक्सपेंस के घर में आएगा, लेस होगा, और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है, ओवरहेड है, ओवर है, ओवर है, तो ऐड होगा। यहां देखिए बोला है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाना है, तो इसीलिए हम बोले थे इसमें स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं, अकाउंट बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये अकाउंट वाला फॉर्मेट बताए थे, यहीं पे बनाते हैं जिससे कि अगर फॉर्मेट सामने हो तो प्रॉब्लम इजिली सोल्व हो जाता है। यहां बनाते हैं मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। क्रेडिट डेबिट दे देते हैं, पर्टिकुलर्स, बात हुआ था कि ये सब स्टार्ट होगा प्रॉफिट बाई प्रॉफिट
एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड है 28660। ये अकाउंट का स्टाइल में बन रहा है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 28660। ये अकाउंट के स्टाइल में अगर अपने बनाते हैं तो जो ऐड होने वाला है वो हमको इधर लाना होगा, अनलेस होने वाले को इस साइड में लाएंगे। बात यही था। तो देखते हैं, फिनेंशियल एक्सपेंस तीन तीन था तो तीनों लेस होगा। टू डायरेक्टर्स फी का अमाउंट था 1050। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट था 970। और एक था टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वो था 8300। ये तीनों फिनेंशियल एक्सपेंस लेस होगा। एक फिनेंशियल इंटरेस्ट इनकम भी था, बैंक इंटरेस्ट फिनेंशियल इनकम है वो ऐड होगा, दैट इज 30 रुपीज। अच्छा, ओवरहेड का एक आइटम था ओवरचार्ज ऐड होता है तो ये आएगा बाई ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ऐड में ले लिए उसको 180। अब हम लोग इस साइड को ऐड करेंगे, यहां आएगा, निकलेगा आंसर 2, प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड। राइट साइड को ऐड करना है, ऐड करके इधर लाना है, इसका टोटल हुआ 28870, उसमें से माइनस करने से आंसर आया 18550। और ये आंसर दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड देखिए 18550, तो इसका मतलब हम लोग ठीक बनाए हैं। देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करते अपने, थोड़ा लेंथ में बड़ा रहेगा। ये रहा क्वेश्चन सामने, ये देखिए तीन ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट भी दिया है, फिनांस भी दिया है। कॉस्ट में अगर ज्यादा है तो ओवर, कम है तो अंडर। सेम चीज क्लोजिंग स्टॉक का भी दिया है, कॉस्ट और फिनेंशियल, तो इसको कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट में ज्यादा निकला तो ओवर, कम निकला तो अंडर। वही तीन चीज देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, वही तीन चीज यहां भी दिया, सेम बात है। कॉस्ट में अगर ज्यादा निकला तो ओवर एब्जॉर्ब, कम निकला तो अंडर एब्जॉर्ब। ये इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल कॉस्ट में है, फिनांस में नहीं है। ये फिनेंशियल इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड, ये फिनेंशियल एक्सपेंस है, गुडविल रिटेन ऑफ। अब बैड डेट यहां देखिए अंडर है, कॉस्ट में कम है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड दिया 8120। अब क्वेश्चन में यहां देखो, प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट बनाने से नहीं होगा। तो चलिए देखते इसको कैसे बनेगा। ये अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, जब अकाउंट बोलेगा तो अकाउंट ही बनाना है। और स्टार्ट होगा बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिया हुआ था 8120। अब बात हुआ, चूंकि ये अकाउंट बन रहा है तो ऐड वाला इधर आ जाएगा, लेस वाला इधर आ जाएगा, लेकिन इसमें दो कॉलम में क्वेश्चन दिया है, कॉस्ट का डाटा अलग, फिनांस का अलग। कॉस्ट में अगर ज्यादा है तो ओवर बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक देख रहे हैं, रॉ मटेरियल का ज्यादा है, अब फिनिश गुड्स का ज्यादा है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का ज्यादा है तो ओवर है, तो वो ऐड होगा बाई
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर बाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर और टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वो अंडर है तो अंडर लेस होगा तो टू में ले लिए, ओवर एड होगा तो बाई में ले लिए, तो अंडर वाला फिगर है 300 और ओवर वाला फिगर है ये वाला है 350 और ये वाला फिगर है 320। अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक का बारी, क्लोजिंग स्टॉक में केस उल्टा होता है, अंडर एड होगा ओवर लेस होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल देख रहे हैं अंडर है, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये अंडर है तो ऐड कर देते हैं 80 रुपया है, 80 रुपीज ओनली। और जबकि वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वो भी अंडर है, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वो भी अंडर है तो उसका अमाउंट अंडर में है, वो भी 80 दिख रहा है, नहीं 80 नहीं है 120। और जबकि फिनिश गुड्स का ओवर है तो वो लेस में चला जाएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर, ओवर है तो उसको लेस में ले लेंगे 250 रुपया 250। अब हम लोग ओवरहेड की तरफ आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर दिख रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर है तो लेस करेंगे ना, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर 2 फैक्ट्री ओवरहेड अंडर तो उसको लेस करेंगे 260। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर ऐड करेंगे, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर उसको ऐड करेंगे 600। सेलिंग ओवरहेड अंडर है, सेलिंग ओवरहेड अंडर है 300। अच्छा ये नोशनल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इसको याद करने के लिए लिख लेते हैं नोशनल एक्सपेंस 2000। ये ऐसा आइटम है जो कॉस्ट में रिकॉर्डेड था, फिनांस में रिकॉर्डेड नहीं था, जनरली ऐड करते हैं। अच्छा डिविडेंड रिसीव्ड फिनांशियल इनकम है उसको भी ऐड करते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड फिनांशियल इनकम है वो भी ऐड होगा 2500। अच्छा गुडविल रिटेन ऑफ फिनांशियल एक्सपेंस है, गुडविल रिटेन ऑफ फिनांशियल एक्सपेंस है लेस होगा। अच्छा डेप्री बैड डेट अंडर है, अंडर है तो लेस होगा, बैड डेप्ट अंडर उसका अमाउंट है 2000। बस कंप्लीट हो गया, यहां आंसर निकाल देंगे 2 प्रॉफिट एज पर फिनांशियल रिकॉर्ड, ये आंसर निकलेगा, ये आंसर निकलेगा तो इधर हमको ऐड करना है, ये वाला साइड ऐड होगा, ऐड करके लिखना है, ऐड करके लिखेंगे उसके बाद उधर से माइनस कराएंगे तो आंसर आएगा। इसका ऐड का रिजल्ट आया, ऐड का रिजल्ट आया 14090। अब इसमें से ये माइनस करना है, माइनस करेंगे तो माइनस का रिजल्ट आया 980। ये आ गया अपना प्रॉफिट एज पर फिनांशियल रिकॉर्ड, ये बन गया अपना अकाउंट। ठीक है,
एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ये नेट लॉस था 875 एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, आज जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लॉस दिया हुआ 791,250। आंसर चेकआउट हो जाता है इससे। ये रीजन दिया हुआ, देखिए यहाँ रीजन दिया हुआ, फैक्ट्री ओवर हेड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डेप्रिसिएशन, देखिए डबल है और डबल में देखिए कॉस्ट वाला ज्यादा है। अगर कॉस्ट वाला ज्यादा है तो उसको ओवर बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इनकम, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ट्रांसफर फी क्रेडिट है, फाइनेंशियल इनकम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, लेस कर देते, और ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको एड कर देंगे। यहां मेन चीज यहां देखो, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाना है। ये बनाते हैं कैसे बनेगा, लेकिन इसमें खासियत था ये नेट लॉस दिया था बनाना है। इसमें स्टार्ट होगा इस बार टू लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। इस सवाल का खासियत है कि इसमें लॉस दिया था तो टू लॉस लिख दिए, प्रॉफिट जैसे हम लोग बाई में लिखते थे लॉस होने के केस में लॉस को टू में ले लेंगे। वो अमाउंट है 875। अब आंसर इधर से चालू किया तो आंसर इधर से आएगा, जो इधर आता था वो इधर ही रहेगा, जो इधर आता था वो इधर आता है। अकाउंट बनाने में एक खासियत फायदा ये है कि साइड वुड का चेंज नहीं करना पड़ता था। जैसे इधर हम लोग लिखते थे ओवर वाला सारा लिखते थे, या इधर हम लोग इनकम वाला लिखते थे वही लिखेंगे। जैसे यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड ओवर है तो बाई फैक्ट्री ओवरहेड ओवर, तो फैक्ट्री ओवरहेड ओवर था 47,500, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर था 2, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर था 32,750। अच्छा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ओवर था तो डेप्रिसिएशन ओवर था तो बाई डेप्रिसिएशन ओवर, बाई डेप्रिसिएशन ओवर था 17,250। इसके अलावा इनकम था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम के रूप में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये है 62,750। इसके बाद इनकम टैक्स अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के रूप में है, इनकम टैक्स अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये दो एक्सपेंस के रूप में है 7,250 और इसका है 27,500। इसी में एक इनकम था ट्रांसफर फी, इसी में एक इनकम था ट्रांसफर फी 12,500। अच्छा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन इधर आता था टू ओपनिंग स्टॉक, अंडर टू ओपनिंग स्टॉक अंडर 6,250 और जबकि क्लोजिंग है तो वो इधर आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक अंडर, उसका अमाउंट है 17,500। अब यहां प्लस कर लेंगे, अब वो आंसर इस बार इधर आएगा बाई लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसको इधर से प्लस कर लेंगे और इस साइड लाएंगे, आंसर आ जाएगा 875 है 32,750, 7,250, 27,500 और 6,250। रिजल्ट इज 948,750। इधर से माइनस कर देते हैं 17,250, 62,750, 12,500, 17,500। ये आंसर तो दे रहा है 791,250, 791,250 आंसर दे रहा है। उसको देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था लॉस, यस 791,250 ये मैच कर गया। तो ये हुआ लॉस के केस में बनाने का वे। अगर आप लोगों को पसंद आता हो, समझ में आता हो तो जरूर मेरे लिंक 3A Academy को शेयर कीजिए। 3A Academy के नाम से ये चैनल है,
अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, मेरा मोबाइल नंबर जो है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ओके, थैंक यू।